बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स और डिफरेंट डाइट एक्सरसाइज है जो आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करेंगे और साथ में ओवरऑल हेल्थ भी इंक्रीज करेंगे। बट हमारे पास ऐसे कुछ टिप्स है जो आप अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल में अप्लाई करेंगे तो बहुत बेनिफिट करेंगे। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ स्टडीज ने ये रिवील किया है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और नॉट कंज्यूमिंग इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे हैबिट्स आपके बॉडी पर नेगेटिव अफेक्ट करते हैं। पर अगर आप ये हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी और यंगर भी दिखेगी। मॉडिफाई योर कॉफी शॉट। अगर आप कॉफी से एडिक्टेड हैं और एवरी मॉर्निंग लेना पसंद करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कॉफी इनटेक को कम करें। स्टे आउट ऑफ द सन। जितना हो सके उतना सन में जाना अवॉइड करें। आप चाहे तो अर्ली मॉर्निंग सन में या फिर इवनिंग में बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सन से ज्यादा एक्सपोजर आपको स्किन कैंसर या फिर अदर स्किन प्रॉब्लम्स लाइक रिंकल्स, फाइन लाइंस और सेजनेस को लीड कर सकता है। और अगर आप चाहे तो सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं बाहर जाने से पहले। सोशलाइज। स्टडीज ने ये बताया है कि आप बड़े रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि विदाउट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स और फैमिलीज में आपका ब्रेन और हार्ट नेगेटिव सिग्नल्स और थॉट्स को एक्सेप्ट जल्दी करने लगता है और आपके ब्रेन के पास आए हुए कोई भी सिचुएशन को नेगेटिवली इंटरप्ट करने लगता है, जिसका मतलब लोनलीनेस और डिप्रेशन है। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग क्विट करने से आपकी हेल्थ और लाइफ स्पैन में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव किया है जिन वुमेन और मेन ने एट द एज ऑफ 30-35 उनके लाइफ स्पैन में 4 या 5 साल ऐड किए हैं, क्योंकि उन्होंने स्मोकिंग क्विट की थी और जिन्होंने नहीं की थी ऑफ कोर्स उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। प्रिवेंटिंग द 3 PM स्लम विद स्नैक्स। रोज की हैबिट बनाने के बजाय आप आपके डेली रूटीन में एक बार स्वीट इंटेक रखिए। ऐसा करने से आप इवनिंग ब्रेक या फिर एक्स्ट्रा स्लीप ब्रेक नहीं लेंगे। गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। आपको आपके डेली शेड्यूल में 30 मिनट वॉक जरूर शामिल करें, क्योंकि एक इंसान 4 टाइम ज्यादा जी सकता है अगर वो रेगुलरली अपने बॉडी को टाइम देगा और खुली हवा में वॉक करेगा तो। इससे आपका रूटीन और माइंड दोनों क्लियर और फ्रेश रहेंगे। स्ट्रेंथन योर लोअर बॉडी। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को अच्छे से मेंटेन करने से आपके बॉडी में गुड बैलेंस, एंड्योरेंस लेवल और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जैसे आप आगे एज करने लगते हो, ये क्वालिटीज रिड्यूस होने लगती है, जो ऑफन लीड करती है रिस्क ऑफ इंजरीज, एस्पेशली हिप फ्रैक्चर्स। क्रिएट अ फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। बहुत सारे रिसर्चर्स के मुताबिक स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो आपने बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस भी किए होंगे। इनसोमिया और रेस्टलेसनेस तो आपको रेस्टफुल स्लीप आने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी। बेड पर जाने से पहले 20 या 30 मिनट का कोई प्रेयर कर ले। अवॉइड स्ट्रीट ड्रग्स। हम लोग कहीं बाहर स्ट्रीट पर इजीली मिलने वाले ड्रग इंटेक करते हैं। जस्ट फॉर फन रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ये इजीली अवेलेबल ड्रग्स आपकी बॉडी को स्लोली स्लोली हार्म करती है और हेल्थ रिस्क बढ़ा देती है। साइकोसिस, कंफ्यूजन, सीजर्स, ब्रेन डैमेज, कोमा और कभी भी डायरेक्ट डेथ। स्टे एक्साइटेड अबाउट लाइफ थ्रू हॉबीज। इसकी वजह से आप आपकी लाइफ में हमेशा लुक फॉरवर्ड करेंगे और आपकी जीने की तमन्ना कभी भी कम नहीं होगी। ऐसा सोचने से आपको स्ट्रेस भी कम होएगा और आपकी हॉबीज आप सुकून से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके। अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी और आप ज्यादा लंबा भी जी सकते हैं। तो अगर इससे जुड़े आपके पास भी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।